नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और कल होली है, कल होली की मिला बेटी है और आज है पूर्णमासी, आज होलिका दहन होगा आज रात में। मतलब तो मैंने अभी कुछ बना नहीं पाया है, नमकीन में सिर्फ वही कचरी पापड़ बनाए थे और अब मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के सेव। तो उसके लिए ये हमारा बेसन है और अब मैं बेसन को पहले, बेसन है ये मैंने पिसा के रख लिया था तो इसको पहले मैं छान लूँगी। हम बेसन और दिखाई रहा हाँ ज्यादा बनी ही फिर गई। हाँ इधर, और इधर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। पहले मैं मिक्स कर लूंगी और इसमें डालूंगी अब मोहन के लिए तेल। यही देखो उधर ना खड़े होते हैं। पहले मैं मोयन मिला देती हूँ बेसन में। बोलो थोड़ा मसाला और इसमें मैं डाल दूंगी, ये हमारा काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया पाउडर एक ही में मिक्स है तो इसको मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी मिर्च। मिर्च पाउडर मिर्ची डाल दी है मैंने मिर्च, और इसको भी मुझे मिला लेना है। करोगी गुजिया बन जाइए। और मैं बेसन बन चुका है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, तब तक मैं अपनी कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। तेल गर्म हो रहा है तब तक ये मैंने मशीन को ले लिया है, और ये मेरी मशीन है तो इसमें ये चार इसके पत्ते हैं, ये चार हैं, एक दो तीन और ये चार। पर मैं इस वाले पत्ते से बनाऊंगी, आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इसमें मैं इनको साइड में रख देती हूँ दूसरे पत्ते का, और इसमें मैं लगा लेती हूँ तेल। दोनों तरफ लगा लिया है तेल, और बाकी के पार्ट में भी लगा लेती हूँ, ये वाला इसमें भी मैं तेल लगा लेती हूँ नीचे से भी। हाथों में लगा लिया है पानी को, और इसको डाल दूंगी इसी में मशीन में। इसके ढक्कन को मशीन में ही लगा देती हूँ। ये तेल हमारा गर्म हो
चुका है। और ये मैंने ले लिया है चाकू, चाकू की सहायता से इसको फैलाना है। चाकू की सहायता से ऐसे कर देंगे तो ये एक साथ चपकेंगे नहीं और अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ भी पलट देना है। मैं इनको सेव हमारे हो चुके हैं। दिखाती हूँ आपको पास से, देखिए सेव हमारा बन गया है। और इसको मैं इसमें रख दूंगी पलट के, धन लिया है। इसी तरीके से मैं सारे सेव को बना लूंगी। मैं बेसन को इसी में डाल देती हूँ। हाथों में लगा लिया है पानी को और इसको डाल दूंगी इसी में, मशीन में। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। और ये मैंने ले लिया है चाकू, चाकू की सहायता से इसको फैलाना है। चाकू की सहायता से ऐसे कर देंगे तो ये एक साथ चपकेंगे नहीं और अलग अलग हो जाएंगे।
दूसरी तरफ भी पलट देना है। निकाल लूंगी मैं इनको, सेव हमारे हो चुके हैं। दिखाती हूँ आपको पास से, देखिए सेव हमारा बन गया है। और इसको मैं इसी तरीके से मैं बना रही हूँ सेव। मशीन से जल्दी हो जाता है, मुझे भी बनाना आराम रहता है। चौखटे से दो लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये हमारा लगा लिपटा बेसन बचा है सिर्फ, और बाकी सेव मैंने बना लिए हैं। इतने मेरे सेव बन चुके हैं और देर हो गई है, थोड़ा ही मैंने बेसन फेंटा था और बाकी मैं होली के बाद में बना लूँगी। ज़रूरत के लिए थोड़ा इतना बना लिया है, बाकी हमारा बेसन रखा हुआ है क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं, आज ही सभी चीज़ें बनानी हैं। इसमें भी बेसन सूख जाता है तो इसको बराबर छुटाते रहना है ऐसे, ताकि इसके जो छेद हैं वो बंद नहीं होंगे। और कैसे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा सेब और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आराम आराम से बनाना है और मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। इसी तरीके से साफ करके मैं बना लेती हूँ। इतना मैंने सेव बनाया है आपको दिखाती हूँ, और इतना मैंने आज बना लिया है सेव, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है। अभी गुजिया बनाऊंगी और थोड़ी सेवी बनाऊंगी, तो यही सब बनाऊंगी। तो मेरा इतना सेव बन चुका है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कोई बात नहीं है। चलो फिर भी मैं कह देती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी मेरी वीडियो देखिए, हर वीडियो पे कमेंट करके बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा। और नहीं बताएंगे तो कोई चलो बात नहीं है, पर मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। इतना मेरा सेव बना, तो यही है आज का हमारा। तो इसीलिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, होली इंजॉय कीजिए, अबीर और गुलाल लगाइए और खुशी खुशी से अपना त्यौहार मनाइए। तो इसी शुभकामना के साथ हैप्पी होली और नमस्ते।